हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लीपिंग बाबर प्रॉब्लम की। तो स्लीपिंग बाबर प्रॉब्लम में हम लोग को कंडीशन गिवन होती है कि एक वेटिंग रूम है जिसमें चेयर पड़ी हुई है, जो कस्टमर आएगा अगर बार बार बिजी है किसी कस्टमर के बाल काटने में, तो जो कस्टमर दूसरा आएगा वो वेटिंग रूम में वेट करेगा। तो और एक बार्बर का रूम है जहाँ बार्बर हेयर कट करता है विथ एक चेयर है वहाँ पे। ठीक, मान लीजिए, चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, वेटिंग रूम है। ठीक, ये एंट्री, कस्टमर यहाँ से एंट्री करेगा, कस्टमर एंट्री करेगा यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे ये चेयर है एंड नंबर ऑफ चेयर हैं। ठीक, और ये हम एक बार्बर का प्राइवेट रूम है जहाँ एक चेयर पड़ी हुई है। ठीक, वन चेयर, क्या है, वन चेयर है, एक चेयर पड़ी हुई है। ठीक, और ये हमारा एग्जिट एरिया है। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। ये कौन सा रूम है, ये हमारा वेटिंग रूम है। बाबर सलीप में प्रॉब्लम डिजाइन किया गया है कि एक प्राइवेट रूम होगा जहाँ बार बार बाल कटेगा, एक वेटिंग रूम होगा जहाँ अगर बार बार बिजी है तो बाकी जो कस्टमर आएंगे वो क्या करेंगे, वेट करेंगे। और चलिए इसमें कंडीशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक, इफ देर आर नो कस्टमर, अगर कोई कस्टमर नहीं है, जो सैलून है उसमें कोई कस्टमर नहीं है, तो क्या करेगा, बाबर कस्टमर के लिए वेट करेगा और स्लीप हो करेगा, सो जाएगा। ठीक, और इफ कस्टमर इंटर द शॉप, अगर मान लीजिए एक कस्टमर आया और बार बार अगर सो रहा है, तो उसको क्या करेगा, पहली कंडीशन उसको जगाएगा, उसका हेयर कट होगा और वो चला जाएगा। ठीक, इफ ऑल चेयर आर ऑक्यूपाइड, मतलब जो वेटिंग रूम में है और प्राइवेट रूम में एक कस्टमर के बाल कट रहे हैं और वेटिंग रूम में बाकी कस्टमर वेट कर रहे हैं, विथ जो जितनी चेयर हैं, मान लीजिए अगर 5 चेयर हैं और 5 कस्टमर हमारे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक, तो जब 6th कस्टमर आएगा, तो क्या करेगा, जब कस्टमर आएगा देखेगा कि चेयर सारी फुल हैं, वो क्या करेगा, चला जाएगा, वापस चला जाएगा, बिना हेयर कट करवाए ही बाहर वापस चला जाएगा किसी और दूसरे सैलून में। ठीक, ये कंडीशन होती है। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये होती है, ये पहली कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर जो वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं है और जो हेयर कट है, जो काटता है बाबर, जो बार बार हेयर कट काटता है, वो सो रहा हो, तो क्या करेगा कि जो कस्टमर आएगा, जो फर्स्ट कस्टमर आएगा, वो क्या करेगा, उसको जगाएगा। ठीक, और उसका हेयर कट होगा। ठीक, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए अगर एक ये खाली है, वेटिंग रूम खाली है और एक जो आदमी है उसका प्राइवेट रूम में हेयर कट हो रहे हैं, तो क्या करेगा, जो दूसरा कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, दूसरा कस्टमर वेट करेगा, कहाँ, वेट इन वेटिंग रूम में वेट करेगा। ये हमारी प्रॉब्लम होती है। और कंडीशन क्या होती है, एक वेटिंग रूम होता है जिसमें एन नंबर ऑफ चेयर होती हैं और दूसरा एक प्राइवेट रूम होता है जहाँ बार बार हेयर कट करता है, उसमें एक चेयर होगी। ये हमारी कंडीशन है और ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम है। 3 टाइप की हमारी प्रॉब्लम आती है। चलिए इसको हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं। चलिए हम इसको चार के थ्रू समझते हैं। ठीक, स्टार्ट ये क्या करेगा, बार बार आएगा और अपनी जो सैलून है, ठीक, उसको क्या करेगा, ओपन करेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब स्टार्टिंग में, जब मॉर्निंग में वो आएगा तो स्टार्ट करेगा। जब देखेगा नो कोई कस्टमर नहीं है, स्टार्टिंग में जब वो अपनी दुकान खोल देगा, उसके बाद देखेगा कोई नहीं है, तो क्या करेगा, स्लीप कर लेगा, स्लीपिंग मोड में आ जाएगा। ठीक, कस्टमर जब नहीं है, उसके बाद अगर कस्टमर आ जाएगा तो क्या करेगा, उसका हेयर कट करेगा, जो बाकी कस्टमर होंगे क्या करेंगे, वेट करेंगे अपनी बारी आने का। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे क्या, जब हेयर कट हो जाएगा वो कस्टमर, जब सारे जो कस्टमर होंगे उनका जब हेयर कट हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो बार बार फ्री हो गया, तो क्या करेगा, फिर से स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद जब हेयर कट हो जाएगा, जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, घर चला जाएगा। ठीक, जो कस्टमर का जब हेयर कट हो गया वो घर चला जाएगा, और बार बार के बाद जब कस्टमर कोई बचेंगे नहीं, वो क्या करेगा, स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब जब मान लीजिए बार बार ने दुकान खोली और पूरा दिन कोई कस्टमर नहीं आएगा, तो क्या करेगा, क्लोजिंग टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी,
तो वो क्या करेगा, बार बार घर चला जाएगा। और जो कस्टमर होगा उसकी जब हेयर कट कट जाएंगे तो वो भी कहाँ चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा। ये हमारा चार्ट के थ्रू हम लोग समझा कैसे ये वर्किंग होगी। अब हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं कि कैसे बार बार और कस्टमर की क्या वर्किंग होगी। तो एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं, हमने वेरिएबल रखा है, क्या लिखा है, सेमाफोर, कस्टमर रखा है, एस हमारा क्या है, सेमाफोर है, और ये कस्टमर ओ इक्वल टू हमने उसकी वैल्यू क्या रखी है, जीरो रखी है। सेमाफोर बार बार है जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, जीरो रखी है। जो कस्टमर होगा वो भी जीरो होगा और बार बार की वैल्यू क्या होगी, वो भी जीरो होगी। हमारे पास एस एस सीट है, एस एस सीट एम क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेक्स होता है, ठीक। एम हमारा यहाँ क्या है, म्यूटेक्स है। एस एस सीट क्या है, एम एक हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू वन कर दी। और हमने क्या ले लिया, फ्री सीट, मतलब जो वेटिंग रूम में कितनी फ्री सीट है उसको हम लोग ने क्या मान लिया, एन, एन नंबर ऑफ सीट है अवेलेबल है कहाँ, वेटिंग रूम में, ठीक। अब बार बार की बारी आती है, अब देखिए वाइल ट्रू को आप ऐसे समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू वन कर दी गई है। मतलब जो बार्बर्स मॉर्निंग में आया उसने अपनी दुकान को ओपन किया, इसको हम लोग कमेंट में लिख लेते हैं ओपन शॉप, ठीक। जैसे ही अपने शॉप ओपन किए तो उसकी वैल्यू जो क्या कर दी, ट्रू कर दी, ठीक, जीरो से क्या कर दी, वन कर दी, वो वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक। अब क्या करेगा, जब बार्बर ने अपनी दुकान खोल ली तो क्या करेगा, कस्टमर के लिए वेट करेगा, ठीक। यहाँ लिख लेंगे नो कस्टमर वेट, नो कस्टमर लिख लीजिए, ठीक। और जब नो कस्टमर कोई होंगे, कोई कस्टमर है नहीं, तो क्या करेगा, ये एक और कमेंट होगा लिख लेंगे, जो बार्बर होगा क्या करेगा, स्लीप व्हेन एंड देयर आर नो कस्टमर, ठीक। ये इसका कमेंट है, ये दोनों किसके कमेंट है, ये मतलब जो बार बार ने अपनी दुकान खोली और उसकी वैल्यू ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, किसके लिए वेट करेगा, कस्टमर के लिए वेट करेगा, ठीक। अब जब कस्टमर आ गया, जो बार्बर की जो प्राइवेट रूम है जिसमें एक चेयर पड़ी हुई है, मान लीजिए ये हमारा ये वेटिंग रूम है, ठीक, ये प्राइवेट रूम है, इसमें क्या पड़ी हुई है, एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक, ये बार्बर का रूम है, ठीक, और ये क्या वेटिंग रूम है, ठीक। अब क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को, म्यूटेक्स वेट मतलब ये वैल्यू क्या होगा, व्हेन इवन वेट वन इज एग्जीक्यूटेड, मतलब एक कस्टमर आ गया और वो क्या करेगा, ये सीट जो होगी बार्बर की वो रिजर्व हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जो दूसरा कस्टमर आएगा तो उसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे, वेटिंग रूम में बैठाएंगे, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्री सीट को इंक्रीमेंट करते गए, फ्री सीट के जो हमारी सीट हैं वेटिंग रूम में उसको क्या करते गए, इंक्रीमेंट करते गए, मतलब जो जितने कस्टमर आएंगे उसमें हम लोग क्या किसमें बैठाएंगे, वेटिंग रूम में बैठाते जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा, वेटिंग रूम में बैठाते जाएंगे, अब जो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर जो इसका हेयर कट कर रहा था, जब उसका हेयर कट कंप्लीट हो गया तो क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक। जब एग्जिट हो जाएगा तो क्या करेगा, सेमाफोर सिग्नल, मतलब बार बार सिग्नल देगा कि ब्रिंग कस्टमर फॉर हेयर कट, इसका कमेंट लिख लेते हैं, ब्रिंग कस्टमर फॉर हेयर कट, ठीक। तो क्या करेगा, सिग्नल देगा बार बार कि वेटिंग रूम में सिग्नल देगा कि अब एक और कस्टमर आ जाइए हेयर कट के लिए, ठीक, क्योंकि जो पहला वाला था जो कस्टमर था उसका हेयर कट हो चुके हैं, वो कहाँ जा चुका है, घर जा चुका है, ठीक। अब म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर देगा, जो म्यूटेक्स था वो रिलीज़ हो जाएगा, मतलब जो बार बार जो पहले था उसको क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, और दूसरा वाले का क्या होगा, हेयर कट स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, रिलीज द कस्टमर, इसमें कमेंट होगा, ठीक। उसके बाद जो दूसरा कस्टमर आएगा, सेकेंड कस्टमर का क्या, हेयर कट होगा, हेयर कट, ठीक। ये हमारा बार्बर का एल्गोरिथम है, ठीक। इसको फिर से समझते हैं, बार्बर का वाइल ट्रू, मतलब जब बार्बर मॉर्निंग में आएगा तो अपनी वो क्या करेगा, शॉप को ओपन करेगा, तो जो ऑलरेडी शॉप क्या वैल्यू क्या थी, जीरो होती है, बाय डिफॉल्ट जीरो होती है, उसको क्या करेगा,
वन करेगा, वन का मतलब ट्रू वैल्यू करेगा। ये भी कह लीजिए पहली वो फॉल्स होती है, फिर बाद में इसको कि हम लोग जब खोलते हैं दुकान को क्या करते हैं, वैल्यू को ट्रू करते हैं। जब दुकान खुली तो जब दुकान खुलती है तो क्या कोई कस्टमर नहीं होता है, तो जो बार्बर होगा वो कस्टमर के लिए वेट करेगा। जब बार्बर कस्टमर के लिए वेट करता है, जब कोई कस्टमर नहीं होता वो बार्बर क्या करते हैं चला जाता है स्लीपिंग मोड में चला जाता है, ठीक। उसके बाद जब कोई कस्टमर आ जाएगा तो क्या कर देगा, उसको अपनी जो चेयर है, जो चेयर है उसकी वैल्यू को, मोटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, वन कर देगा, ठीक। अब क्या हो गया, जब उसके बाल कट रहे हैं, जो दूसरा कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एक बार्बर की चेयर जो वन चेयर है प्राइवेट रूम में वो फुल है, क्योंकि वो किसी और के बाल कट रहा है। तो दूसरा जब कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, वेट करेगा। जब कहाँ वेट करेगा, वेटिंग रूम में वेट करेगा। तो हम लोग उसकी सीट को बढ़ाते जाएंगे, फ्री सीट प्लस वन वन, जो सीट क्या है एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब इसके हेयर कट कट जाएंगे तो क्या करेगा, जो बार्बर होगा वेटिंग रूम में क्या देगा, एक सिग्नल देगा कि दूसरा कस्टमर आइए, किसके लिए, हेयर कट के लिए। जब दूसरा कस्टमर हेयर कट के लिए आएगा तो पहले जो कस्टमर को क्या होगा, उसको रिलीज कर देगा। जब रिलीज कर देगा क्या सिग्नल देगा, सेमाफोर सिग्नल एम, एम का मतलब म्यूटेक्स, उसको सिग्नल देगा, क्या करेगा, रिलीज कर देगा पहले वाले कस्टमर को। उसके बाद दूसरे वाले उसका क्या करेगा, हेयर कट कर देगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कस्टमर के लिए, अभी तक हमने बात किया बार्बर के लिए, अब बात करेंगे कस्टमर के लिए। जब कस्टमर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स से ट्रू होगी और जीरो से क्या होगी, वन होगी, ठीक। तो वाइल वन मतलब ट्रू, तो क्या करेगा, सेमाफोर वेट करेगा सीट के लिए, मतलब जो म्यूटेक्स है फॉर असेसिंग कस्टमर, वेट करेगा इफ, और उसके बाद क्या करेगा, इफ जो हमारी सीट हैं, जो फ्री सीट है, जो वेटिंग रूम में जो सीट हैं फ्री सीट हैं, अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या करेगा, जो फ्री सीट है माइनस करते जाएगा, मतलब जो बार बार है वो सीटिंग डाउन हो जाएगा, सीटिंग जो जो कस्टमर आएंगे वो क्या करेंगे, बैठते जाएंगे, ठीक। फिर क्या होगा, सेमाफोर सिग्नल, जो सिग्नल देगा कस्टमर, मतलब ये नोटिफिकेशन देगा किसको, बार्बर को, ठीक, कि आप हेयर कट करने के लिए, नोटिफाई द बार्बर। फिर क्या करेगा, जब अगर वो सो रहा होगा बार्बर तो उसको क्या करेगा, कस्टमर जगाएगा और क्या करेगा, बाल काटने के लिए, तो क्या, तो फिर बार्बर क्या करेगा, उस जो प्राइवेट रूम है उसकी जो सीट को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, उसको बैठाएगा वहाँ पे प्राइवेट रूम में और उसकी सीट क्या कर देगा, लॉक कर देगा, ठीक ठीक, इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद अगर बार्बर का, बार्बर ऑलरेडी किसी कस्टमर के हेयर कट कर रहा है तो क्या करेगा, जो कस्टमर आएगा क्या करेगा, वेट करेगा, वेट इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम कब, जब इफ बार्बर इज बिजी, अगर बार्बर बिजी है किसी के और के हेयर कट करने में तो जो दूसरा कस्टमर आएगा, जो कस्टमर जो आते भी जाएंगे वो क्या कर देंगे, वेटिंग रूम में वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक जो जो बार्बर है जो पहला कस्टमर को वो रिलीज नहीं कर देता, ठीक। अब क्या करेंगे, एल्स क्या सिग्नल देगा, अगर बाल काट चुके हैं तो क्या करेगा, रिलीज द लॉक कस्टमर, लीव कर देगा, ठीक। हेयर कट करके क्या होगा, लीव हो जाएगा, वो कस्टमर लीव हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, जब कस्टमर वो आएगा तो क्या अपनी वैल्यू क्या करेगा, फॉल से ट्रू करेगा या जीरो से वन करेगा, ठीक। ये दो ही चीज़ होती है बुलियन में और बाइनरी में, ये डिफरेंस होता है, जीरो से वन करेगा, ऑलरेडी जो नहीं है तो क्या करेगा, जीरो होती है बाय डिफॉल्ट और फॉल्स होती है, वो क्या करेगा, वन करेगा और ये ट्रू करेगा, ठीक। क्या होगा, सेमाफोर वेट करेगा सीट के लिए, तो म्यूटेक्स फॉर असेसिंग कस्टमर, ठीक। इफ़ जो हमारी फ्री सीट है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करेगा, सीट को डिक्रीमेंट करेगा, सबको बैठाएगा, जितने कस्टमर आएंगे उसको क्या करते जाएगा, बैठाएगा, और जो कस्टमर होगा नोटिफाई करेगा बार्बर को कि कस्टमर आ गए हैं और वो हेयर कट करने के लिए, ठीक। तो सिग्नल देगा क्या, सीट को एक्सेस करने के लिए, लॉक कर देगा, ठीक। और अगर बार्बर बिजी है किसी के हेयर कट करने में तो दूसरा कस्टमर जो आएगा वो क्या करेगा, वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक उसके बाल नहीं काट जाते। एल्स अगर सारी सीट क्या हैं, रिजर्व हैं, ठीक, जो वेटिंग रूम में सारी सीट रिजर्व हैं, तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा लॉक कस्टमर को, मतलब जो कस्टमर आएगा जो हेयर कट कराने, उसको क्या करते हैं, लीव कर देगा, मतलब
अगर ऑलरेडी वेटिंग रूम में ऑलरेडी सीट क्या है हमारी फुल है, जो कस्टमर आएगा क्या करेगा उसको, वो कस्टमर क्या करेगा वापस चला जाएगा, क्योंकि उसके पास जो क्या है सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक,